हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट, बाकी जो दो पार्ट है जो क्लासेस से हो चुकी है तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपकी कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 59 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कवर किए थे, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन हमारा 59, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस जिले में जो जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका रायपुर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर जिले की 27 जिलों में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2160876, ये डाटा इसको याद रखिएगा। तो रायपुर जिला है, 27 जिलों के अनुसार बोला गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, रायपुर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या, लगभग 12.8% है आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे इतना जो जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पे अनुसूचित जाति है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछ दे जनसंख्या यहाँ पे वर्तमान 2011 के जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति यहाँ पे कितना है, जिसको हम SC शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो आपका 32.74269, ये डाटा आपके अनुसूचित जनजाति है, मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का। तो 12.8 जो है आपके परसेंटेज है, ये आपका जनसंख्या है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, यदि आपका 18 जिलों के अनुसार बोला गया है, तो आपका मात्र सरगुजा जिला है, इसको याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित SC जनजाति को बोला गया है, तो 18 जिलों में कौन सा जिला, तो सरगुजा जिला, ये आपके सरगुजा जिला है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, तो आपका नारायणपुर है, ये आपका न्यूनतम है, ज़्यादा पूछे तो आपका सरगुजा है, तो इसको याद रखिएगा, दोनों 18 जिलों के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है, तो बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, तो आपका कोंडागांव याद रखिएगा। तो ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला और आपका न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका कोंडागांव है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 18 जिलों में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात 1023 वाला जिला आपका कौन सा है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला आपका मात्र बस्तर जिला है, 1023 सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, आपका 18 जिलों के अनुसार है ना, तो इसको याद रखिए। तो बस्तर जो है आपका 18 जिलों के अनुसार जो राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात आपका बस्तर है, तो सबसे ज़्यादा यहीं का इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात 968 वाला जिला 18 जिलों में कौन सा है, तो आपका कोरिया जिला है, इसको याद रखिएगा। ज़्यादा पूछे तो आपका बस्तर है, न्यूनतम आपका कोरिया है, 968 है, तो इसको याद रखिएगा। और बस्तर का कितना बताया था, बस्तर का आपका 1023 है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व जिला आपका कौन सा है, तो रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या कोरबा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जांजगीर चांपा जिला है, ये आपका कितना है, तो यहाँ पे 420 है, इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व 420 आपका जांजगीर चांपा है। अगर पूछे आपका न्यूनतम कितना किसका है, तो आपका दंतेवाड़ा का लगभग मात्र 64 है, तो इसको याद रखें। सबसे ज़्यादा 420 जांजगीर चांपा का है, सबसे कम आपका दंतेवाड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम निम्नलिखित जिलों में कौन सा जो जिला है आपके, जिसमें दशक 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, मतलब जो जनसंख्या की वृद्धि रही है, बढ़ते गई थी 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही थी, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कबीरधाम, तो याद रखिए। जो कबीरधाम है,
ये आपका जिला है जो आपके 2001 से लेकर 2011 में बढ़ती रही है। तो जनसंख्या वृद्धि कबीरधाम की जो कि बढ़ मतलब 10 की जनसंख्या बढ़ती रही मतलब वृद्धि हुई थी, इसको याद रखिए कबीरधाम जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो उरांव, गोंड, कंवर, हलवा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड, आप करेक्ट आंसर गोंड। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो अनुसूचित जनजाति आपके गोंड जनजाति, इसको याद रखिएगा। तो लगभग 56% जो है आपके छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति निवास करती हैं, आपके बस्तर संभाग में मुख्यतः ज़्यादा निवास करते हैं, प्रायः सभी छत्तीसगढ़ में जब भी लगभग सभी जगह ये लोग निवास करते हैं। तो गोंड जनजाति जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है, इसको याद रखें, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो 914, 927, 940, 943। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का जो लिंगानुपात है आपका 943, मैंने बताया था 943, जो आप 943 जो है आपके भारत का लिंगानुपात है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात कितना है, तो 991 है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। साक्षरता की बात करूँ तो भारत का कितना है साक्षरता, 72.99%, ये आपके भारत का साक्षरता लिटरेसी रेट है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 70.28, इसको याद रखिए, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, इसको याद रखिएगा। लिंगानुपात 943 भारत का है, छत्तीसगढ़ का 991, साक्षरता लिटरेसी रेट जो है आपके 72.99% आपके भारत का है, 70.28% हमारे छत्तीसगढ़ की है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो आपके बीजापुर, धमतरी, रायगढ़, दुर्ग, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर, याद रखिएगा। तो बीजापुर जो है आपका जो यहाँ पे जो महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ की सबसे कम यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सबसे जो कम प्रतिशत जनसंख्या है। तो आपकी महासमुंद, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, धमतरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा। तो यहाँ पे जो जिला है जांजगीर चांपा में जनजातियों की सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे वाला जिला है, तो इसको याद रखिए। जनजातियों के मामले में ना सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या आपका जांजगीर चांपा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। तो 18 जिलों में, 19, 21 या 22, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, 21 जिला। तो 21 जिला में जो छत्तीसगढ़ में लगभग 21 जिलों में जो महिला पुरुष लिंगानुपात ये 2011 के जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है, तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 21 जिला, इसका करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नांकित में से किस समूहों में वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहाँ पे अंकित करना है। तो जांजगीर चांपा और आपका दंतेवाड़ा है, जांजगीर चांपा, फिर नारायणपुर, रायपुर और दंतेवाड़ा, और दुर्ग आपका बीजापुर है। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो आपका जांजगीर चांपा और आपका नारायणपुर। तो यहाँ पे जो जांजगीर चांपा और नारायणपुर वर्ष 2011 के अधिकतम आपका जांजगीर चांपा, न्यूनतम जनसंख्या आपका जांजगीर चांपा मतलब नारायणपुर है, तो जनसंख्या घनत्व वाले जिला है, तो इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा फिर नारायणपुर यहाँ पे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में जिले के कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के घटते सही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में है। तो आपका 2011 के अनुसार जो कौन सा जो समूह है या जिला जो जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में घटते क्रम में है, तो आपका बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर आपका दंतेवाड़ा। तो
BND ऐसे करके याद करेंगे तो ये आपके अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के घटते क्रम हैं। तो बीजापुर, नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा, तो इसको BND करके याद कर लीजिएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा जो कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, और आपका बी है देश के 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। सी है राज्य की साक्षरता दर तो 70.3% है, और चौथा है आपका डी है छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1956 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बोला गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं, मतलब असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है तो आपका 16 बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़ देश का 16 बड़ा राज्य ही आपका करेक्ट आंसर है। देश के 2.11 जो लोग प्रसेंट है छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ये भी करेक्ट है, और ये आपकी छत्तीसगढ़ की साक्षरता ये आपका गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1956 ये आपका करेक्ट है, बाकी जो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो कौन सा कथन आपका गलत है, तो सी ऑप्शन जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो साक्षरता दर कितना है, तो 70.28% इसको याद रखिएगा। तो 70.28% हमारे छत्तीसगढ़ की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे 3 पार्ट में छत्तीसगढ़ की जनगणना यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इसमें इंक्लूड किया हूँ, तो यहाँ से आई थिंक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो तीनों पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए कल फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।